Assalamu alaikum, friends and colleagues. Welcome back to my channel, which is all about healthcare business and dentistry. I'm your host, Dr. Suhail Shabir Ahmad. आज हम बात करेंगे क्लिनिक में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, खासतौर पर इस COVID-19 क्राइसिस में. जैसा कि आप में बहुत सारे जानते होंगे कि लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है और लोग इतना अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे, और मैंने खुद अपना क्लिनिक एक हफ्ते के लिए बंद किया था. लेकिन मैंने एक हफ्ते के बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, पेशेंट्स की काफ़ी कॉल्स आने लगी, तो मुझे मजबूरन क्लिनिक खोलना. तो बहुत सारे डेंटिस्ट मेरी जब बात हुई तो मुझे बात मेरे सामने आई कि उनको इस वक्त ये कन्फ्यूजन है कि उन्हें अपने क्लिनिक में क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए कि वो अपने और अपने फैमिली की सेफ्टी को कायम रख सकें. ये बात तो आप सब जानते हैं कि डेंटिस्ट उन चंद प्रोफेशन में से हैं जो हाइस्ट जिनका रिस्क है COVID-19 कॉन्ट्रैक्ट करने का. अब ऐसी सूरत में हम कब तक अपना क्लिनिक बंद करें, पहले हमें फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है, फिर पेशेंट्स की कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको मेडिसिन से इतना फाका नहीं होता. ऐसी सूरत में मैंने सोचा कि जो प्रोटोकॉल मैं अपने क्लिनिक में फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, हो सकता है इससे आपको कोई बेनिफिट, कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए. ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि डेंटल क्लिनिक एक टीम एफर्ट है, और जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी अगर आपकी टीम आपका साथ दे, यानी आपके उसमें आप खुद शामिल होंगे, आपका रिसेप्शनिस्ट, आपका हाइजीनिस्ट, आपका डेंटल असिस्टेंट, इस तरह और भी जो बाकी डॉक्टर्स हैं आपके क्लिनिक में, ये सब लोग अगर मिल के काम करेंगे तो इन प्रोटोकॉल्स का आपको वाकई फ़ायदा मिलेगा. तो सबसे पहली चीज़, मैंने कुछ ग्राउंड रूल सेट किए हैं अपने क्लिनिक के लिए. पहला रूल ये है कि जितने पेशेंट बैठेंगे वो कम से कम 5 से 6 फीट के फासले पर बैठेंगे. उसकी वजह से मैंने क्लिनिक में बेंचेस का इजाफा किया ताकि जगह ज़्यादा अवेलेबल हो, और अगर पेशेंट 6 फीट के फासले पर नहीं बैठ सकते या पेशेंट का रश बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऐसी सूरत में मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्लिनिक से बाहर खड़े हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा रूट ज़रूर लगता है लेकिन फ़िलहाल मजबूरी है, क्या करें. और उन्हें ये बात समझ नहीं सकती. इसके अलावा मैंने अपने ऊपर और अपने क्लिनिकल स्टाफ पे एक बात लागू की हुई है कि किसी भी सूरत में जब तक हम पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, पेशेंट से डीलिंग कर रहे हैं, अपनी पीपीई किट्स या अपने N95 रेस्पिरेटर्स मास्क नहीं हटाने, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको कितनी भी गर्मी लगे, कितनी मुश्किल हो, जब तक पेशेंट से आप डील कर रहे हैं आपको ही लगाना है. इसके अलावा नो चिल्ड्रन अलाउड. सीधी बात यह है कि बच्चे और बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा चांस है COVID-19 लगने का, तो मैंने इस बात पर पाबंदी लगाई गई है कि बच्चे क्लिनिक में अलाउड नहीं है अनलेस डेंटल किसी किस्म की वो डेंटल इमरजेंसी है हमारे पास आती. फिर उसके अलावा कोई भी एरोसोल वाले प्रोसीजर हम नहीं कर रहे, और जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो भी बहुत मजबूरी में, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है या कोई बहुत बड़ी मजबूरी ऐसी आ जाती है तो ही सिर्फ कर रहे हैं. मजीद ये कि वर्किंग एरिया में एक पेशेंट और एक अटेंडेंट से ज़्यादा बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, और जो अटेंडेंट वहाँ मौजूद होगा वो भी क्लिनिकल स्टाफ और पेशेंट से फासले पे होकर बैठेगा, यानी कि वो बिल्कुल वहाँ सामने खड़े होने की उसे इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ इसलिए जो भी एरोसोल प्रोड्यूस हो रहा है कहीं उससे वो भी इन्फेक्ट ना हो. अब आ जाते हैं कि ये तो रूल है क्लिनिक्स, लेकिन अब जब घर से हम अपने क्लिनिक आते हैं फिर क्लिनिक से अपने वापस घर जाते हैं, तो उस सूरत में हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करें कि हम एक प्रॉब्लम से बच जाए. तो हम शुरू करते हैं घर से, यानी क्लिनिक आने से पहले आपको घर पे क्या क्या करना है. सबसे पहली चीज़ टेक अ बाथ, पहले बदबू के साथ गंदगी के साथ आप क्लिनिक नहीं आ सकते, और उसके अलावा आप तो मजबूरी बन गई है क्योंकि COVID-19 क्राइसिस चल रहा है, तो इस वक्त आपको टेक अ बाथ, अपने दांत साफ करें. दांत साफ करने का वैसे COVID-19 से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो करेंगे अच्छा इंप्रेशन. और मजीद ये कि नए कपड़े पहन के ताकि आप साफ सुथरे भी दिखें, और दूसरा ये कि आपको एक इत्मीनान भी हो कि आप में किसी किस्म के इन्फेक्टेड कपड़े नहीं पहने. दूसरी चीज़ ये कि क्लिनिक आने से पहले अपने नए कपड़े, एक तो नए जोड़ी कपड़े आप पहन के आएंगे क्लिनिक, फिर एक जोड़ी कपड़े वो होंगे जो आपको क्लिनिक से जाने के बाद पहनने, तो वो भी वॉशरूम में अपने हैंड करके आइएगा ताकि वापसी में आप उसको
उसके बारे में फिर मैं आपको मजीद आगे बताऊँगा। जिस वक्त मैं क्लिनिक आता हूँ तो मैं अपने जो पैंट्स की पॉकेट्स हैं उनको डिवाइड कर लूँ, मतलब ये कि एक पॉकेट सिर्फ क्लीन आइटम्स के लिए होती है और एक पॉकेट सिर्फ अनक्लीन आइटम के लिए होती है। अब अनक्लीन से मुराद ये नहीं कि कोई गंदी चीज़ होती है, मतलब अनक्लीन से मुराद ये कि सस्पेक्टेड अनक्लीन आइटम। फॉर एग्जाम्पल करेंसी नोट्स, जब मैं क्लिनिक आता हूँ ज़ाहिर चेंज अपने साथ लेके आता हूँ, तो उस चेंज को के बारे में मुझे नहीं पता, जो नोट्स हैं मुझे नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड हैं कि नहीं है, तो मैं घर में भी उनको बिल्कुल सेपरेट जगह पर रखता हूँ और जब आता हूँ तो सिर्फ एक मखसूस पॉकेट है उसके अंदर रख के लेके आता हूँ। और जो दूसरी यानी जो क्लीन पॉकेट है उसके अंदर दूसरे आइटम्स होते हैं, जैसे कार कीज हो गई या हैंड सैनिटाइजर की बॉटल हो गई या इसके अलावा मोबाइल फ़ोन हो गया, ये मेरी क्लीन पॉकेट हो। अब जब क्लिनिक आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ पीपीई किट पहनते हैं। पीपीई किट क्या कहते हैं, आपने देखी होगी अलग अलग किस्म की आती है, मार्केट में अवेलेबल है। उसके साथ साथ N95 रेस्पिरेटर मास्क होता है, N95 अमेरिकन स्टैंडर्ड है, KN95 चाइनीज स्टैंडर्ड है। मैं पर्सनली KN95 यूज़ करता हूँ, मुझे वो क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और ये हम उस वक्त तक पहनते हैं जब तक हम सारे पेशेंट से फारिग नहीं हो जाते और क्लिनिक का शटर बंद नहीं हो जाता। उसके साथ साथ क्योंकि मैं सारी पेशेंट रिकॉर्ड की एंट्री डिजिटल करता हूँ यानी कंप्यूटर पर करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हैंड सैनिटाइजर सबसे पहले कीबोर्ड को क्लीन करता हूँ, फिर उसके बाद अपना टाइपिंग का काम शुरू करता हूँ। इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर अगर स्टार्ट करना ही पड़ जाए तो हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से पेशेंट का रिंस करवाते हैं। उससे जो कि रिसर्च है उससे ये पता चला है कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट माइक्रोबियल एलिमेंट का ओरल कैविटी में कम हो जाता है। अगर हमें कोई ऐसा प्रोसीजर करना ही पड़ रहा है जिसमें मजबूरन एरोसोल बनेगा और ऐसी इमरजेंसी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में माउथ वॉश रिंस के साथ साथ हमें हाई वॉल्यूम एक्सकेवेशन टिप्स लाजमी इस्तेमाल करनी है, यानी जिन्हें HVE के टिप्स भी कहा जाता है, और ये देखने में कुछ इस तरह की होती है। और इसके लिए आपको एक अच्छी पावरफुल सक्शन मशीन चाहिए होगी, जो कि अगर आप इम्पोर्टेड लेंगे तो वो 1.5-2 लाख के करीब की होती है, वरना आपको यूज़ में भी सस्ती मिल सकती है और चाइना के में भी काफ़ी सस्ती मिलती है। जब क्लिनिक बंद करने का टाइम आता है तो पीपीई किट उतारते हैं, उसे हैंगर पे हैंग करके और उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। अब पीपीई किट वैसे तो डिस्पोजेबल होती है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव है तो ये मजबूरी हो जाती है कि हमें पीपीई किट को रीयूज़ करना पड़ता है, तो इस वजह से हम उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। मेरा असिस्टेंट उसे डिसइंफेक्ट करता है सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्टेंट से, जो कि CDC की गाइडलाइंस के थ्रू बनाया गया है, जो बहुत आसान है। 500 ml अगर आपको बनाना है तो 10 ml हाउस होल्ड ब्लीच है और 490 ml उसमें पानी मिक्स है और आपका डिसइंफेक्टेंट तैयार। इसके अलावा जो KN95 मास्क मैं और मेरा क्लिनिकल स्टाफ यूज़ करता है, हम उसे भी डिसइंफेक्ट करते हैं। वहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि KN95 मास्क भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और हर पेशेंट पे या हर रोज से चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको हम चंद यूज़ के बाद डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन जितनी बार यूज़ करते हैं रीयूज़ करते हैं उतनी बार हम उसे डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी उसे बाहर से और अंदर दोनों तरफ से डिसइंफेक्ट करके, और एक टिश्यू पेपर लेके मैं उसके अंदर बीच में एनवलप करके उसको ड्रॉअर के अंदर रखता हूँ ताकि वो किसी के हाथ पे टच ना हो या ड्रॉअर के जो बाकी कॉन्टेंट्स हैं उनके साथ टच ना हो। इसके अलावा क्लिनिक से जाने से पहले जो मेरी क्लीन पॉकेट में आइटम्स होते हैं, जैसे कार कीज हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गया या डिसइंफेक्टेंट की बॉटल हो गई, इनको भी एहतियातन फिर से डिसइंफेक्ट करता हूँ और वापस अपनी क्लीन पॉकेट में रखता हूँ। फिर जो कैश अर्न किया होता है क्लिनिक से, वो कैश जब मेरा रिसेप्शनिस्ट मुझे देता है तो वो बंडल फॉर्म में मुझे देता है, तो उस बंडल फॉर्म में ही मैं उस कैश के जो बंडल को बाहर से डिसइंफेक्ट करता हूँ हैंड सैनिटाइजर से, और उसको उसी डर्टी पॉकेट में या उसी सस्पेक्टेड अनक्लीन पॉकेट के अंदर वापस रख लेता और हैंड वॉश करके या हैंड सैनिटाइजर यूज करके घर चल रहा। फिर घर आने के बाद क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मैं फैमिली से इंटरेक्शन नहीं करता, उनमें से मैं बात तो करता हूँ लेकिन ये है कि किसी को अपने करीब नहीं आने देता, किसी को अपने हाथ से टच नहीं होने देता। सबसे पहले मैं वॉशरूम जाता हूँ, वहाँ पर अपने हाथ वॉश किए पानी से और साबुन से,
और जो मेरी क्लीन पॉकेट के आइटम्स हैं उनको पहले साफ जगह पर रखा, फिर वॉशरूम में अनक्लीन आइटम्स को निकाल के, जो कैश का बंडल है उसे निकाल के बिल्कुल एक अलग साइड पर रखा। जब अनक्लीन आइटम पॉकेट से रिमूव कर देता हूँ मैं, तो मैं हाथ को फिर से साबुन और पानी से वॉश करता हूँ, लेकिन मैं टॉवल से उसे ड्राई नहीं करता। उसकी वजह ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से कोई इन्फेक्शन टॉवल तक ट्रांसफर हो। इसके अलावा मैं अपने ग्लासेस को भी सोप और वाटर से क्लीन करता हूँ, ताकि इसके ऊपर अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है तो वो भी रिमूव हो जाए और मेरे ग्लासेस भी डिसइंफेक्ट हो जाए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इससे तो ग्लासेस ख़राब हो जाएंगे, लेकिन मेरे तजर्बे में आया है कि इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मान भी लें कि ग्लासेस का नुकसान होगा, तो मैं ये समझता हूँ मरीज़ की ज़िंदगी बचाना, अपनी ज़िंदगी बचाना, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बचाना ज़्यादा अहम है चंद सौ के ग्लासेस के मुकाबले। उसके बाद मैं इन्फेक्टेड क्लोथ जब रिमूव करता हूँ तो उन्हें इनसाइड आउट रिमूव करता हूँ, यानी उल्टा रिमूव करता हूँ, ताकि जो इसका सारा इन्फेक्टेड पोर्शन अंदर की तरफ हो और बाहर सिर्फ क्लीन हिस्सा रह जाए। फिर उसके बाद बाथ लेता हूँ। लेने के बाद जब नए कपड़े में पहन लूँ जो कि बाथरूम में पहले से हैंग किए गए होते हैं, मैंने उसके बाद जो इन्फेक्टेड कपड़े हैं उनको या तो मैं बाहर ले जाके जो क्लोज लाइन है उसे खुली हवा में उसको डाल देता हूँ, या फिर उसे फोल्ड करके वॉशिंग मशीन में ऐसी जगह पे अंदर की तरफ रखता हूँ कि किसी का हाथ उन पर टच ना हो। उसके बाद मैं फिर से जाके अपने हाथ साबुन पानी से धोता हूँ। अब जबकि मुझे बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है कि मैंने पूरी तरह प्रॉपरली डिसइंफेक्ट हो गया, अब मैं अपनी फैमिली के साथ जाकर इंटरेक्शन। उम्मीद है इससे आपको फायदा हुआ होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कोई ऐसा प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया या इससे बेहतर कोई चीज़ आपके पास है, मुझे जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।